कर्मचारियों को वेतन देने के लिए महानगर बेंगलुरु में स्थित घर को गिरवी रख रहे हैं। कैश बर्न को कम करने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण दफ्तरों को एक एक करके बंद कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उन पर विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का आरोप लगा रही हैं। निवेशक सवाल के घेरों में अलग ले रहे हैं और अब BCCI के साथ कानूनी लड़ाई। यह पटकथा एक कड़वी कहानी निश्चित रूप से बायजू रविंद्रन ने कभी अपने लिए नहीं चाहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का OG। एक समय भारत के सबसे सफल स्टार्टअप के रूप में उभरे एडटेक दिग्गज बायजूस अब खुद को कानूनी लड़ाई और वित्तीय उथल पुथल के जाल में उलझा हुआ पा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बायजूस पर $18 मिलियन का मुकदमा दायर किया है, जिससे बायजूस और उस कंपनी के मालिक रविंद्रन फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। कथा शुरू हुई 2019 में, जब बायजूस ने बड़े उत्साह के साथ अपने प्रायोजक के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को चुना। हालांकि साझेदारी 2022 में कठिन मोड़ में पहुंच गई, जब ऋण संकट से जूझ रहे बायजूस ने समय से पहले ही प्रयोजन सौदे को समाप्त कर दिया। नवंबर 2022 में बायजूस की ओर से BCCI को एक ईमेल द्वारा T20 विश्व कप के बाद उनके अनुबंध को समाप्त करने का अनुरोध किया गया, परंतु बात न बनी। BCCI ने बायजूस से कम 31 मार्च 2023 तक साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। अब यह अनुबंध देखते देखते कानूनी लड़ाई का रूप ले चुकी है और यह कानूनी लड़ाई राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT की बेंगलुरु पीठ तक पहुंच गई है, जहां आर्गस पार्टनर्स के प्रतिनिधि में BCCI ने शिकायत दर्ज किया है। न्यायमूर्ति के विश्वाल और न्यायमूर्ति मनोज दुबे ने अगली सुनवाई 22 दिसंबर के लिए निर्धारित किया है। यह बायजूस के लिए फिर से एक तगड़ा झटका है, क्योंकि एडटेक स्टार्टअप कई चुनौतियों से पहले ही जूझ रहा है। इस कानूनी संघर्ष के बीच बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन अपने हालिया वित्तीय तूफान से निपटने के लिए अजब गजब उपाय करते नजर आ रहे हैं। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए रविंद्रन ने कथित तौर पर अपनी डूबती कंपनी की नैया पार लगाने के लिए अपने परिवार के घरों सहित अपने घरों को गिरवी रख दिया है। उसमें महानगर बेंगलुरु में स्थित दो घर और आलिशान एप्सिलॉन गेटेड समुदाय में एक निर्माणधीन बिल्ला $12 मिलियन के ऋण के लिए रविंद्रन ने गिरवी रख दिया है। यह वित्तीय संघर्ष बायजूस के सफलता के दिनों से एक दम विपरीत है। रविंद्रन जो कभी अरबपति थे, अब व्यक्तिगत स्तर पर लगभग $40 करोड़ के ऋण का सामना कर रहे हैं। बताते चले कि इन्होंने मूल कंपनी में अपने सभी शेयर को गिरवी रख दिया है। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में शेयर बिक्री के माध्यम से जुटाए गए $80 करोड़ को भी कंपनी में फिर से निवेश किया गया है, जो रविंद्रन के वित्तीय संकट की ओर गंभीर इशारा करता है। बायजूस कंपनी जो कभी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी, आज खेल में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि बायजूस अपने अमेरिका स्थित बच्चों के डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म को लगभग $40 करोड़ में बेचने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त लेनदारों के साथ कानूनी लड़ाई अलग से चल रही है। बताते चले कि ये वही बायजूस है जो हमारे द्वारा एक बार इनके वित्तीय संकट की कठोर वास्तविकता पर प्रकाश डालने के लिए हमारे ही पीछे पड़ गए थे। बायजूस की सहसंस्थापक दिव्या गोकुलनाथ ने लिंक्डइन पर कंपनी का बचाव करते हुए हमें एक लंबा उपदेश दिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती और न्याय किसी से परहेज नहीं करती। आज समय ऐसा है कि बायजूस हॉट सीट पर बैठा है और सभी तरफ से जांच का सामना कर रहा है, और देखने वाली बात तो यह है कि आज बायजूस अपने बचाव में चुप्पी साधे बैठने के बजाय और कुछ नहीं कर पा रहा। हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जहां घर केवल ईंटों और गारों और उससे बनी महज इमारत नहीं होती। हमारे देश में भवन भावनाओं का एक भवन होता है,
और जहां पर भावनाओं का भवन माने जाने वाला घर रविंद्रन अपनी कंपनी को जीवित मात्र रखने के लिए गिरवी रख रहे हैं, तो ये उनके वित्तीय संकट को प्रत्यक्ष रूप से उजागर कर रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि सत्य तो इससे भी अत्यंत गंभीर है कि बायजूस जो कभी सफलता का पर्याय था, अब खेल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय परिवारों के भावनात्मक मूल को मूर्त देने वाला घर जब गिरवी रखा जाए, तो समझिए बायजूस के लिए आज के समय में समस्या काफी गंभीर और दयनीय है। और जले पर नमक छिड़कने का काम ईडी ने किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाल में ही बायजूस रविंद्रन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें 9,362.35 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। हम और आप सब जानते हैं कि बायजूस ऐसे स्टार्टअप में से था जो कभी अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, परंतु आज वित्तीय संकट, कानूनी लड़ाई और एक कलंकित प्रतिष्ठा से जूझ रहा है। यह BCCI का $18 मिलियन का मुकदमा बायजूस रविंद्रन के जीवन के जटिल पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है जो बायजूस के वर्तमान का कठोर साक्षी है। धन्यवाद।